कक्षा 12 कृषि के छात्र ध्यान देंगे। जैसा कि मालूम है कि विद्यालय शासन के आदेशानुसार बंद चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन क्लास के लिए निर्देशित किया गया है। तो ऑनलाइन क्लास का लाइव तो नहीं संभव है, लेकिन वीडियो बना करके हम लोग ग्रुप में पहुंचा रहे हैं, जिन्हें आप पढ़ करके कुछ अपना जानकारी करेंगे। बाकी जब खुलेगा विद्यालय तो फिर क्लास लिया जाएगा, क्लास चलेगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो चैप्टर चल रहा था आनुवंशिकी का चैप्टर चल रहा था, तो उसमें आज हम पेडिग्री एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। पेडिग्री एनालिसिस का क्या मूल अर्थ है, इसको आप जानिए। कोई भी बीमारी जो आनुवंशिक होती है और परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, उस बीमारी का विश्लेषण किसी भी आनुवंशिक बीमारी की पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहने के बारे में एक ही परिवार के अंदर विश्लेषण करना ही पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। पेडिग्री एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ ए जेनेटिकल कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन ए फैमिली। तो पेडिग्री एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ ए जेनेटिक कैरेक्टर। विच ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन ए फैमिली। किसी भी वंश में कोई आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफर होता है, इन्हीं के अध्ययन को पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। हम ये जानते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस कोई भी जेनेटिक जो बीमारी होती है वह जीन से जुड़ी होती है, और जीन्स क्या है, यह डीएनए का ही एक सेगमेंट है। और जीन में होने वाले जो भी चेंज होते हैं, जो कोई भी जो सीक्वेंस होता है ATGC एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन, जो चार बेस होते हैं और चार बेस के आधार पर जो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, इनकी जो क्रम होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन से जेनेटिक कैरेक्टर आनुवंशिक कैरेक्टर आनुवंशिक लक्षण बदल जाते, जिसे हम उस चेंजिंग को म्यूटेशन भी कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। तो म्यूटेशन के कारण ये आनुवंशिक लक्षण बदल जाते हैं, और बदलने के साथ साथ ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होने लगते। इस प्रकार से जो जीनोमिक मटेरियल है, जो हमारी कोशिकाओं में जनन पदार्थ है,
जो डीएनए पदार्थ है, इस डीएनए पदार्थ में परिवर्तन हो जाने के कारण ही आनुवंशिक लक्षण पैदा होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। इस प्रकार हम अगर देखें तो इन आनुवंशिक बीमारियों को हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर हमारे डीएनए जीन्स में होने वाले म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के कारण जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंशागत होने लगती हैं, हम उन्हें जेनेटिक ऑर्डर कहते हैं। और इस जेनेटिक ऑर्डर के पीढ़ी दर पीढ़ी जाने की क्रिया जो एक वंशावली में, एक वंश में, एक परिवार में जो पाई जाती है, इसी के अध्ययन को हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। अब हम जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें तो जेनेटिक डिसऑर्डर दो प्रकार के होते हैं। पहला मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है उसको हमने आपको बताया है कि क्रोमोसोम की संख्या में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उससे भी संतान पीढ़ी के लक्षण बदल जाते हैं, जिसे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें आपको गुणसूत्र की संख्या 46 के स्थान पर 45 हो सकती है, 46 के स्थान पर 47 हो सकती है, जिसे क्लाइनफेल्टर्स, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम्स के बारे में हमने चर्चा करके बताया था। डाउन सिंड्रोम में 47 हो जाते हैं, क्लाइनफेल्टर्स में भी 47 हो जाते हैं लेकिन सेक्स क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है, और टर्नर सिंड्रोम्स में 45 होते हैं जिसमें सेक्स क्रोमोसोम में कमी हो जाती है। तीसरा का मैंने चर्चा किया था। अब रही बात मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू मेंडेलियंस लॉ इनहेरिटेंस होता है, जो मेंडल का नियम है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो अपने आनुवंशिकता में नियम बताया था उसी नियम के अनुरूप ये डिसऑर्डर होता है। कहने का अर्थ यह है कि एक ही जीन में, क्रोमोसोम में नहीं, क्रोमोसोम में आप जानते हैं एक डीएनए होता है, डीएनए में कई जीन्स होते हैं, तो एक जीन में अगर कोई म्यूटेशन होता है तो वह म्यूटेशन जो एक जीन में होता है उस म्यूटेशन के कारण कुछ लक्षण चेंज हो जाते हैं और इसे मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। और ये जो जीन्स है, ये जीन्स में जो डिसऑर्डर आता है, यह प्रभावी हो सकता है और अप्रभावी भी हो सकता है, और वो जीन्स जो होगा वो ऑटोसोम्स के डीएनए का हो सकता है या सेक्स क्रोमोसोम का भी हो सकता है। सेक्स क्रोमोसोम में भी वह एक्स क्रोमोसोम का हो सकता है, वाई क्रोमोसोम्स का हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर ये देखा जाए तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी डोमिनेंट आर रिसेसिव एंड मे बी ऑफ ऑटोसोम्स, मे बी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। सो इन दिस वे ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर मे बी ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव।
एंड इन दिस वे सेक्स क्रोमोसोम मेंडेलियन डिसऑर्डर मे बी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एक्स लिंक्ड रिसेसिव. फॉर एग्जाम्पल ऑटोसोमल डोमिनेंट लाइक मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी, इसका मतलब मसल में विकृति आना, मसल सिकुड़ जाते हैं, अपंग हो जाते हैं लोग इस बीमारी में, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है. और ऑटोसोमल रिसेसिव सिकल सेल एनीमिया, एक खून की कमी का रोग होता है सिकल सेल एनीमिया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है. इसी प्रकार एक्स लिंक डोमिनेंट एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, तो ये सभी बीमारियां ये मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंतर्गत आती हैं. और इनका अध्ययन पेडिग्री एनालिसिस के माध्यम से होता है. सिकल सेल एनीमिया का जो भी उदाहरण है, रानी विक्टोरिया के परिवार में यह बीमारी रहा. अब इसके बाद अब अलग से इसके एक उदाहरण को दूसरे वीडियो में हम समझाएंगे, और इसे आप फिर समझिएगा, एक बार किताब पढ़िएगा, समझ में आएगा, और नहीं तो फिर विद्यालय पर आइएगा, हम इसे समझाएंगे. ठीक है, धन्यवाद.